गुड आफ्टरनून एवरीवन, माय सेल्फ प्रियंका, असिस्टेंट प्रोफेसर इन नर्सिंग डिपार्टमेंट ऑफ आरपीएमएस। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द पर्प्यूरियल सेप्सिस, देयर फैक्टर्स इन विच इन आर प्रीवियस टॉपिक वी डिस्कस अबाउट द एंटीपार्टम फैक्टर्स, माल न्यूट्रिशन, अनीमिया, प्रीटर्म लेबर, पीआरओएम एंड प्रेसिपिटेट डिलीवरी एंड एड्स। नाउ वी विल डिस्कस फर्दर डायबिटीज, ओबेसिटी एंड ऑर्गेनिज्म ऑफ नॉर्मल वजाइनल फ्लोरा। सो कई पेशेंट्स होते हैं, उनमें डायबिटीज़ की वजह से भी पर्प्यूरियल सेप्सिस हो सकता है, क्योंकि जिनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होती है, वो ऑलरेडी उन पर्सन्स में इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं होता। जैसे कि सबको पता है कि एक कट भी लग जाए डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स को, तो जल्दी हील नहीं हो पाता बिकॉज ऑफ लो इम्यूनिटी, एंड जो भी हीलिंग होते हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स, ठीक है, वो इतना अच्छे से काम नहीं कर पाते, डिले रिपेयरिंग होती है इनकी। तो वो लोग भी जिनको डायबिटीज़ है, तो उनको भी सेप्सिस होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ओबेसिटी, जो ओबीस होते हैं, जिनका बॉडी मास इंडेक्स ज़्यादा होता है, उनको भी चांसेस होते हैं। ऑर्गेनिज्म और नॉर्मल वजाइनल फ्लोरा, नॉर्मल वजाइनल फ्लोरा की जो पीएच है, अगर उनमें ऑल्ट्रेशन आए, ठीक है, जो भी ऑर्गेनिज्म है यूटीआई के या सेप्सिस के, वो पनपना शुरू हो जाए, तो उनकी वजह से भी सेप्सिस होने के चांसेस होते हैं। अब आते हैं हमारे इंट्रापार्टम फैक्टर्स क्या क्या है। तो पहला आता है रिपीटेड वजाइनल एग्जामिनेशन। सबको पता है कि जब लेबर हो रहा होता है, या मतलब लेबर पेन स्टार्ट होती हैं, तो जो हमारी सर्वाइकल ओस होती है, वो ज़ीरो क्लोजिंग पे होती है, धीरे धीरे वो 10 सेंटीमीटर तक ओपन होती है। तो हम ये चीज़ को चेक करने के लिए वजाइना में फिंगर इंसर्ट्स करते हैं, 1 finger = 1 centimeter। पर अगर इसका टाइमिंग होती है कि लगभग एक वजाइनल एग्जामिनेशन के लिए 45 minutes to 1 hour तक का डिफरेंस होना चाहिए, ये लगभग 2-2 घंटे का डिफरेंस तो होना चाहिए, मिनिमम बोल दिया मैंने 45 to 1 hour या 2 hours का। अगर वो माना 10-10 minutes, 15-15 minutes, एक तो अनकम्फर्टेबिलिटी होती है, और जितनी दफ़ा हम पर वजाइनल एग्जामिनेशन करेंगे, उतनी दफ़ा इन्फेक्शन अंदर जाने के चांसेस होते हैं। तो इंट्रापार्टम पीरियड में ये काम किया तो पोस्टपार्टम में ये सेप्सिस का कारण बन सकता है। डिहाइड्रेशन, जब डिहाइड्रेटेड होती है बॉडी, जो बॉडी का इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस थोड़ा फॉल हो जाता है, इंट्रावास्कुलर जो वॉल्यूम है कम हो जाता है, तो वो भी एक कारण होती है हमारी सेप्सिस का। कीटो एसिडोसिस ड्यूरिंग लेबर, ठीक है, इसकी वजह से भी वजाइनल डिलीवरी अगर कोई ट्रॉमेटिक हुई है, कोई इंस्ट्रूमेंट हुई है, इंस्ट्रूमेंट अंदर डाले हैं, इस वजह से रप्चर हो गया, तो उसकी वजह से हो सकता है। एपीएच और पीपीएच, एंटीपार्टम हेमरेज है किसी को या पोस्टपार्टम हेमरेज है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। अगर रिटेन्ड बिट्स ऑफ प्लेसेंटल टिश्यू एंड मेम्ब्रेन्स, जो प्लेसेंटा होता है, आपको पता, बच्चा होने के बाद प्लेसेंटा आउट कर दे, अगर माना उनके छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स अंदर ही रह गए, तो वो फॉरेन पार्टिकल का काम कर सकते हैं। अगर वो फॉरेन पार्टिकल का काम करेंगे, तो बॉडी में इन्फेक्शन हो सकता है और बाद में वो सेप्सिस बन सकता है। प्रोलॉन्ग लेबर, लेबर की ड्यूरेशन जितनी है, उससे ज़्यादा अगर लेबर कॉन्टिन्यू है, तो उसकी वजह से भी जो वजाइनल सेक्रीशंस है या स्टक जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है, उनकी इंट्रैक्शन की वजह से इन्फेक्शन हो सकता है। ऑब्स्ट्रक्ट लेबर, लेबर आगे इंड्यूस हो ही नहीं रही है, स्टार्ट हुई पर वो बीच में ऑब्स्ट्रक्ट कर गई, उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट दिस, दैट इज़ द इंट्रापार्टम रिस्क फैक्टर और एंटीपार्टम। फर्दर वी विल कॉन्टिन्यू विद दिस टॉपिक, सो प्लीज़ टिल नाउ प्लीज़ like, share, subscribe our channel of RPI academics. Thank you so much.